मोहम्मद रफी साहब, आपका सफर हिंदुस्तान से कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास समझे। तो आप अब जो आपका प्रोग्राम है उसमें आप गाने नए और पुराने लगता है सभी सुनाएंगे? ये सब पुराने गाने नए गाने सब सुनाएंगे और पब्लिक को खुश करेंगे, इतनी कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, लोगों की बहुत ताकीद है आपसे कि वो आपके गाने बैजू बावरा से, शबाब से और अकबर एंथनी का वो पर्दा ही पर्दा जरूर सुनाएंगे। सब मसाले वाला काम होना चाहिए, सब मसाला, सब अच्छे गाने। तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई? पैदाइश मेरे पंजाब में जी। अच्छा, की हाल है बादशाह? चंगा है, तुझे सुनाओ की हाल चाल है। पंजाब में कहाँ? पंजाब में अमृतसर जी। अमृतसर? तो आपका जो तालीम आपने हासिल की म्यूजिक में, गाने में जी, तो आपके उस्ताद जी कौन थे? मेरे उस्ताद थे उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब। अब्दुल वहीद खान जी? हाँ जी। और गुलाम अली खान? गुलाम अली खान जी। अच्छा अच्छा, तो आपका जो पहला गाना था वो आपने कहाँ गाया? पहला गाना लाहौर में गया है, वो उसमें म्यूजिक था श्याम सुंदर जी। अच्छा। और मेरे साथ में जीनत बेगम ने गाया था। अच्छा। और पंजाबी में था गाना, वो क्या क्या बोलते रफी साहब? उसके बोलते सोनी एनी हीरी एनी तेरी याद ने आन सताया। मोहम्मद रफी 30 साल से भी ज्यादा अरसे से लोकप्रियता के आकाश पर। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं दास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं दास। 6 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। ओ कामनी, ओ कामनी, पजामा तंग तंग है, ढीला ढीला कुर्ता है, पजामा तंग तंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपनी अदा है तेरी अपना ही रंग है, अपना ही रंग है। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन। हुए जाने तमन्ना
किधर जा रही हो? पास आओ बैठे हुए जाने तो मना किधर जाती हो? कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं